हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ फिजिक्स बाय आशीष शर्मा सर। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। आज हम कुछ नई बात करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं पर उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। क्या डिस्कस करना है? हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यू मस्ट हैव सीन, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन COVID-19, CBSE has reduced 30% of the syllabus। क्योंकि आप लोग को उतना टाइम नहीं मिला, क्लास 10 का रिजल्ट लेट आया है, क्लासेस लेट चालू हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और इस वजह से जो टोटल टाइम पीरियड है वो हमारा कम हो जा रहा है। इसकी वजह से हमें सिलेबस को, CBSE को सिलेबस 30% रिड्यूस करना पड़ा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक उस सिलेबस में अब नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें लगभग वो सारे टॉपिक्स को हटाया गया है जो आपने कभी ना कभी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। क्लास 9th में आपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उसको रिकॉल जरूर कीजिए। क्यों? बिकॉज दे आर द बेसिक टॉपिक्स, बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स। जब हमको बेसिक ही नहीं मालूम होगा तो हम फिजिक्स को आगे कैसे पढ़ेंगे? तो शायद CBSE ने यही सोचा होगा कि वो सारी चीज़ें आपने क्लास 9 में या क्लास 11 के पहले जो भी क्लासेस हुई हैं आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, इसलिए उनको उसने केवल 2021 के एग्ज़ाम के लिए डिलीट किया है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो डिलीशन है, जो 30% डिलीशन हुआ है जो CBSE ने किया है, ये सेशन 2020-2021 के लिए, मतलब जो बच्चे 21 में एग्ज़ाम देंगे क्लास 11 का, उनके लिए डिलीशन है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 आप देखेंगे उसमें फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। उसमें कुछ छोटी छोटी जानकारी है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस हैं। इट सेज अबाउट फिजिक्स कि व्हाट इज़ फिजिक्स, हाउ इट इज़ एप्लीकेबल इन आवर डेली लाइफ, हाउ वी कैन एक्सप्लोर फिजिक्स इन आवर डिफरेंट कंसेप्ट्स। सो हियर इट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट, देन नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो छोटे छोटे कॉमन टॉपिक है ना, जिसमें हम केवल फिजिक्स के बारे में ये जानना चाहते हैं कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू नेचर, व्हाट आर इट्स लॉज, बेसिक लॉज, एंड देन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, हाउ इट कैन बी अप्लाइड। ओके, तो ये हमको चैप्टर 1 में नहीं पढ़ना है। यूनिट 1 में जो मेन टॉपिक्स हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल यूनिट्स, देयर टाइप्स, देन यू विल फाइंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स, वो सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 2, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट 2, देयर यू विल फाइंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। सो व्हेन कम्स टू मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दे हैव रिड्यूस्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजिशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो कंक्लूजन ये है कि ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9 में पढ़ी हैं। क्या डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बॉडी मोशन में कब होती है, रेस्ट पर कब होती है, ओके, देन पोजिशन टाइम ग्राफ क्या है, XT ग्राफ, ST ग्राफ, ये सब क्लास 9 में आपने पढ़े हैं, एग्जाम्स में भी आता था उस समय। स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी आपने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में जो रह जाता है वो है मेनली रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, वो आपको करना है। और देखिए इसका अगला चैप्टर जो है मोशन इन प्लेन, वो तो कंप्लीट चैप्टर है, पूरा पढ़ना है आपको, जितना भी बुक में है वो सारी चीज़ें पढ़ना है। उसमें वेक्टर्स पढ़ेंगे आप, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, सो मेनी थिंग्स। ओके, देन वी कम डायरेक्टली टू चैप्टर 5, लॉज ऑफ मोशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिट, दैट कंटेन्स 2 चैप्टर्स, वन इज लॉज ऑफ मोशन और एक चैप्टर है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में से तो कुछ भी नहीं हटाया है, बट यू विल फाइंड लॉज ऑफ मोशन में से इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ये देखिए, ये टॉपिक्स आपने क्लास 9 में पढ़े हैं बहुत अच्छे से, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं पढ़ना है, इम्पल्स नहीं पढ़ना है, मोमेंटम नहीं पढ़ना है, राइट? बट अदर देन दिस आपने कंकरेंट फोर्स नहीं पढ़े हैं, वो आपको पढ़ना है,
ओके। फ्रिक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ना है आपको, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ना है, बैंकिंग ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन कर्व्ड लेन आपको पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। कोलिजन पढ़ना है, वो जो वर्क एनर्जी पावर में आएगा, वहाँ से उनने देखिए वर्क एनर्जी पावर से भी कुछ नहीं हटाया है। ठीक, अब हम आते हैं चैप्टर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पर क्या है रोटेशनल मोशन, क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे डिटेल्स में, बट केवल दो चीज़ें नहीं पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, जो पहले केवल स्टेटमेंट था, डेरिवेशन पहले भी नहीं था सिलेबस में, और उसके एप्लीकेशंस हमको नहीं पढ़ना है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता है। ठीक है, देन चैप्टर 8, ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन आपने क्लास 9 में पढ़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ से डिलीट हुई हैं। अब हम देखते हैं कि चैप्टर 9 से क्या डिलीट हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहाँ हमारी ये जो इतना लेफ्ट साइड में है, ये फर्स्ट बुक खत्म हो गई। सेकेंड बुक से आप देखिए चैप्टर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड बुक। ओके, यू विल फाइंड इलास्टिक बिहेवियर, जनरल डिस्कशन, देन शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, इतनी चीज़ें हमको इसमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड टेम्परेचर, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है। हीट ट्रांसफर 3 मेथड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी चीज़ें कुछ हैं जो बची हैं जो हमको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज डिलीटेड, यू कैन सी फ्रॉम हियर। चैप्टर 12, थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये बहुत अच्छा टॉपिक था, ये बहुत बड़ा झटका है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता था, कार्नो साइकिल आता था इसके अंदर में, हीट इंजन के अंदर में, इसके कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, सिमिलरली रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, तो ये आपके लिए हट चुका है, अब नहीं आएगा एग्जाम में। चैप्टर 15, वेव्स, फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस और हार्मोनिक्स एंड डॉपलर इफेक्ट, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था बच्चों के लिए, अच्छा हुआ वैसे मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा हट गया है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें हैं, मैथमेटिकल रिलेशन कैसे निकालते हैं, एनालिटिकल मेथड से कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। तो ये तो हुआ आपका मेन सिलेबस, और यदि हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो पहले 12 एक्सपेरिमेंट्स थे, अब उन्हें उसको घटाकर कर दिया है, नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड टू 8 एक्सपेरिमेंट्स, राइट, एंड नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, प्रोजेक्ट का डिस्कशन, एक्टिविटीज़ का डिस्कशन अब, डिमॉन्स्ट्रेशन अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस था जो आपका CBSE के हिसाब से अब इस साल जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2021 में, उनके लिए सिलेबस में नहीं रहेगा। आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक इट्स स्नैपशॉट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो सबको करना है, अपने फ्रेंड से भी बोलिए, अपने फैमिली फ्रेंड से बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम आई एम श्योर दैट व्हाट आई कैन से, आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी कमिंग विद न्यू वीडियोस ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, विच विल मेक यू फिजिक्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर, वेरी ईजी वे। ओके, थैंक यू वंस अगेन।